Oh God, I just can't believe this. I'm finally free. But Anu, तुम यहाँ कब आई? अविनाश ने फोन किया था. Oh thank God, thank you so much Anu. You have no idea. I'm so happy. तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि एक हॉस्टेज पर क्या क्या गुजरती है. It's just simply hell. अच्छा? मैंने तो आने की उम्मीद बिल्कुल छोड़ दी थी. I'm so excited. बस ऐसा लग रहा है कि कब जाकर अविनाश से मिलूं. अनु, हम जा कहाँ रहे हैं? अविनाश के पास. क्यों? नहीं, जब बॉस्को के आदमी मुझे यहाँ लाए थे तो we didn't take a boat and this route पूजा, ये रास्ता हो या वो रास्ता, तुम्हें जाना तो एक ही मंजिल तक है ना. Yeah, you're right. अविनाश मेरा इंतजार कर रहा होगा है ना. अब वो सिर्फ तुम्हारा इंतजार ही करेगा. क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब बॉस्को की कैद से तो मैंने तुम्हें छुड़ा दिया, लेकिन मेरी कैद से तुम्हें कौन छुड़ाएगा? Bad times are not over yet, sister. They've just begun. Anu! देखो, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, वो दोनों कहाँ हैं? सर, आप मुझसे ये क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं? आपके सामने ही तो वो दोनों भाग गए. और अगर आपके हवलदारों को भी नहीं पता कि वो कहाँ चले गए तो मुझे कैसे पता? तू सलीम भाई के लिए काम करती है, बराबर? गलत. मैं फ्रीलांसर हूँ, जो पैसे देता है उसके लिए काम करती हूँ. तो तू मानती है तेरा संबंध स्मगलरों की गैंग से? नहीं मानने से क्या होगा सर, ये आपका पुलिस स्टेशन है, आपका एरिया, और इतने सारे मर्दों के बीच एक अकेली औरत. देख, ये औरत होने का इशू मत बना. सर, आप थोड़ी देर के लिए इंटरोगेशन छोड़ दीजिए. यू वॉन्ट मी टू कन्फेस ना? ठीक है, कन्फेस करती हूँ. ठीक है, बताओ. बम्बई में सलीम भाई ने मुझे एक टेडी बैर दिया था और उन्होंने कहा कि ये टेडी बैर डीडी तक पहुँचा दो गोवा में. बस टेडी बैर के अंदर क्या था मुझे कुछ नहीं मालूम. हीरे थे? हाँ, वो बाद में पता चला. गोवा की फ्लाइट डिले हो गई थी. अविनाश और पूजा पहली वाली फ्लाइट से गोवा आए थे. पूजा के हाथ में वो टेडी बेयर देखकर डीडी का आदमी सोचा कि पूजा मैं हूँ और इसलिए. वो डीडी का आदमी कौन था? पहले पता नहीं था, लेकिन बाद में मालूम पड़ा. उसका नाम है चार्ली. उठो, उठो पूजा, उठो पूजा. अनु तुम क्यों ये सब? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा अनु? बिगाड़ा? बिगाड़ना तो तुमने तब शुरू किया था जब तुम 4 साल की थी और तुम्हारे माँ बाप चल बसे थे. जाना तो तुम्हें अनाथ आश्रम था, लेकिन तुम चली आई मेरे घर. गलती मेरे पिताजी ही की थी जिन्हें अपने भाई की बेटी पर तरस आ गया. लेकिन तुम्हें क्या थी चाचा जी करके मेरे घर में घुसे रहने की? तुम्हें कोई ठेस पहुंचती ना तो दर्द उन्हें होता, मेरे पिताजी को. वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते थे पूजा, उन्हें सिर्फ तुम्हारी फिक्र थी. पता है, तुम्हें कोई ठेस पहुंचती ना तो दर्द उन्हें होता. वो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचते थे पूजा, उन्हें सिर्फ तुम्हारी फिक्र थी. पता है, स्कूल में अगर कोई मेरा इरेजर छीन लेता ना तो मैं वो भी सह नहीं पाती. और तुमने मेरे बाप को मुझसे छीन लिया. तुमने तो तुम्हें कैसे सह रही थी? कौन लोग? किन लोगों की बात कर रही हो तुम? I swear I don't know anything about them. दो लोग थे जिन्होंने वो आदमी का खून किया. उनका कोई बॉस है या नहीं ये मुझे नहीं पता. हाँ, अंकल पेड्रो को मालूम था और वो हमें उनसे मिलवाने वाला था, लेकिन उसका मर्डर हो गया.
मेरी अनजाने में गलती हो गई है। I didn't mean to hurt you. Please, please मुझे माफ कर दो, please. कैसे माफ कर दूं पूजा? पिताजी का मामला तो मैं समझ सकती हूँ, पागल थे वो, वरना इतनी बड़ी जायदाद की अकेली वारिस मुझे नहीं तुम्हें क्यों बनाते? 25 करोड़ की प्रॉपर्टी और उसकी अकेली वारिस तुम, क्यों? क्योंकि तुम अनाथ थी? This is injustice. मैंने क्या पाप किया था पूजा? पता है जब पिताजी मर रहे थे पानी चाहिए था उन्हें, पानी के लिए तड़प रहे थे वो, नहीं दिया मैंने उन्हें पानी। पता नहीं क्यों उन्हें तड़पता हुआ देखकर मुझे बहुत मजा आने लगा। वो पानी के लिए तरसते हुए मर गए लेकिन मैंने उन्हें पानी नहीं दिया। तब से मन में एक अजीब सी तमन्ना जागी तुम्हें मरता हुआ देखने की। अनु, अनु, नो, नो अनु, प्लीज, नो, प्लीज अनु, अनु, नो, प्लीज, नो, प्लीज, मुझे माफ कर दो अनु, प्लीज, नो। तुम्हारे कहने पर मैं एक कदम उठा रहा हूं, मगर याद रखना अगर कुछ गड़बड़ हुई और तुम्हारी इंफॉर्मेशन गलत निकली तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि तुम्हें 21 साल के लिए अंदर करवाऊंगा। सर ऐसा नहीं होगा, ट्रस्ट मी। और वैसे भी 21 साल एक जगह में मैं नहीं रह सकती। शट अप। मुकुंद जी खबर पक्की है ना? हाँ साहब। ठीक है चलो। अनु तुम मूव प्लीज, अनु स्टॉप दिस, शट अप एंड मूव। कहाँ जाओगी पूजा? भागो। भागो। पता है मैंने किया अंकल पेड्रो का खून?
क्या? जब अविनाश ने फोन किया कि तुम किडनैप हो गई हो, तो मैं तुरंत गोवा चली आई। तुम्हारा मरा हुआ मुंह जो देखना था। लेकिन यहाँ अगर पता चला कि ये तो मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस है, मैंने सोचा तेरी किस्मत यहाँ भी अच्छी निकल आई। तब मैंने सोचा अब तो तेरी किस्मत बदलनी ही पड़ेगी। इसीलिए जब वो बूढ़ा नेगोशिएटर बनने आया, तो मैंने सोचा इससे तो मिलना ही पड़ेगा। अंकल पेड्रो। अरे माय चाइल्ड, तुम अकेला है? बाकी लोग किधर है? बाकी लोग नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो मेरे गेम प्लान में शामिल नहीं है। कैसा गेम प्लान? प्लान के मुताबिक अविनाश और पूजा एक दूसरे से कभी नहीं मिल सकते। इसीलिए तुम मुझे बताओगे कि पूजा कहाँ है। ये क्या कर रहा है बच्चा? ये माय चाइल्ड, दिस इज गन। इससे एक गोली चलता है, आदमी मर जाता है। डोंट डू लाइक दैट। मैं तुम्हें बता सकता है, मैं बता दूंगा तुमको। डोंट शूट मी। पूजा को पता है मौत का डर हमेशा सच उगलवा लेता है। नहीं, सिंपल, उसने मुझे सब बता दिया और मैंने उसे रिवॉर्ड दे दिया। मेरा बाप, मेरा पैसा सब हड़प करके तेरे को चैन नहीं आया कि तूने मेरे हस्बैंड पर भी? नहीं अनु, ये झूठ है। पहले तुम्हारे पति को कभी उस नजर से देखा ही नहीं। वो देखता था तुझे उस नजर से। कहता क्या पूजा की आंखें, क्या पूजा के होंठ। वो तुझे प्यार करता था। पहले मुझे लगता था शायद मजाक कर रहा है, लेकिन एक रात शराब के नशे में उसने मुझसे कहा कि तू थोड़ी थोड़ी पूजा जैसी दिखती है, इसीलिए मैंने तेरे से शादी की। वो तुम्हें चाहता था। हर दिन, हर पल, हर रात। फिर ऐसी ही एक रात 2 सेकंड में मर गया वो। लेकिन तुझे मैं इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। तेरे गोवा से लौटते ही मैंने सोचा था कि मैं तुझे मार डालूं पैसों के लिए, लेकिन लगता है तेरी डेथ को जल्दी ही आ गई। अनु प्लीज, नो अनु प्लीज, आई बेग यू, नो अनु प्लीज, प्लीज नो अनु प्लीज, आई बेग यू, नो अनु प्लीज, प्लीज अनु। इधर ही इन लोग इधर ही। अविनाश, तुम और गुमसुस तरफ से जाओ, हम लोग यहाँ से चलते हैं। देखो पूजा, किस्मत भी क्या अजीब खेल खेलती है। तुम्हारे प्यारे चाचा जी पानी को तरसते हुए मर गए और तुम पानी में मरोगी। अनु प्लीज, अनु, I don't know how to swim, please। जानती हूँ, लेकिन गोली लगने के बाद तुम्हें तैरने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये तुम क्या कर रही हो? चुप रहो। मैडम देखो, गोवा का अंदर में खून खराबा नहीं। तुम चुप रहो, मुझे उसे निपटने दो। देखो ना, तुम्हें जो कुछ चाहिए हम तुम्हें दे देंगे, बस पूजा को छोड़ दो। वो तो मुझे वैसे ही मिल जाएगा तुम दोनों को मार कर। वो गन, वो गन, वो गन दे दो। मैडम, मैडम वो गन हमको दे दो। संभालो। आओ
देखो बॉस्को, तुम्हें तुम्हारे हीरे मिल चुके हैं, पूजा का मेरे हवाले कर दो। मैंने अंकल पेड्रो से वादा किया है और मैं अपनी जबान का पक्का हूं, अविनाश को उसका वाइफ जरूर मिलेगा। देखो बॉस्को, तुम्हें पैसे से मतलब है ना, मिल जाएंगे। लाइफ में मैंने बहुत सारे क्रिमिनल्स देखे हैं, लेकिन तेरे जैसा हरकत नहीं देखा कोई। और तूने अंकल पेड्रो को मार दिया और तूने चार्ली को मार दिया। कल जा रहे हो? हाँ, हम लोग कल जा रहे हैं। मैं भी दो तीन दिन में निकलूंगी यहाँ से। कहाँ जा रही है? दुबई, बंबई, जहाँ जिंदगी ले चले। अंजलि, थैंक्स। What for? नहीं, तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। सच अंजलि, अगर तुम इनकी मदद नहीं करती ना, पता नहीं क्या हो जाता। एक सलाह दूं अंजलि, अब तुम ये सब छोड़ दो, सेटल हो जाओ लाइफ में। हाँ, वैसे मैं भी सोच रही हूँ कि मुझे ये सब छोड़ना चाहिए, और वैसे भी ये सब करना नहीं पड़ेगा अब मुझे। क्यों, कोई मिल गया क्या? कोई नहीं, कुछ मिल गया। एक चाय तो रख सकते हो। नहीं, मेरे साथ मेरी पूजा है ना। ओके, ठीक है। हाँ, सो आई गेस इट्स टाइम टू गो नाउ। ऑल द बेस्ट। या सी यू। या यू डू, टेक केयर। या